प्रॉपर्टी नंबर फोर में क्या होगा, जब हमारे पास इंटीग्रेशन माइनस ए टू ए पे जाएगी तो हमारे पास क्या आएगा, सो राइट इंटीग्रेशन माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू, अब लिमिट कहां से कहां चली जाएगी, इंटीग्रेशन जीरो टू ए, जीरो टू ए एफ एक्स प्लस एफ ओ माइनस एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन नहीं, इंटीग्रेशन हटा दो, साथ में यही इकट्ठा ही, ठीक है। जब हमारे पास लिमिट जो है वो माइनस ए टू ए जाएगी फंक्शन की, तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं, उसकी लिमिट हम जीरो टू ए तक पहुंचा सकते हैं, और एफ एक्स को कैसे लिख सकते हैं, एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है। ये हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर फोर। अब इसमें हमारे पास जो है वो स्पेशल केस अराइज होता है कि जब हमारे पास एफ एक्स जो है इवन होगा और ओड होगा तब हम क्या कर सकते हैं, सो राइट स्पेशल केस स्पेशल केस में हमारे पास क्या आएगा, जब हमारे पास एफ एक्स इवन होगा, व्हेन एफ एक्स इज इवन एफ एक्स इज इवन, तो हमारे पास फंक्शन किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, टू इंटीग्रेशन जीरो टू ए, इंटीग्रेशन जीरो टू ए एफ एक्स, जब हमारे पास एफ एक्स इवन होगा तो हमारे पास जो क्वेश्चन दिया होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, टू इंटीग्रेशन जीरो टू ए एफ एक्स, और जब हमारे पास एफ एक्स ओड होगा, व्हेन एफ एक्स इज ओड, देन वी गेट द आंसर इज किसके बराबर हो जाए, हमारे पास फंक्शन इक्वल टू जीरो, तो किसके बराबर हो जाएगा, फंक्शन इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब इवन का मतलब क्या था कि जब हमारे पास एफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स होगा, व्हेन एफ एक्स इज इवन के आगे लिखो एफ एक्स इक्वल टू, फंक्शन इवन कब होगा, इसमें स्पेशल हिंट लिखो, एफ एक्स इक्वल टू व्हेन एफ एक्स इज इवन, देन एफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स, एफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स, तब हमारे पास क्या, उस फंक्शन को क्या बोलेंगे हम, इवन फंक्शन। और जब हमारे पास f ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स, तो हमारे पास फंक्शन क्या आ जाएगा, हमारे पास जो फंक्शन आएगा वो कौन सा आएगा, फंक्शन ओड फंक्शन, देन द फंक्शन इज ओड। ठीक है, अब इनसे रिलेटेड एक एग्जाम्पल करते हैं। राइट एग्जाम्पल द इंटीग्रल इंटीग्रेशन वन बाय टू टू वन बाय टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस लॉग वन प्लस एक्स अपॉन वन माइनस एक्स डी एक्स,
इज इक्वल टू इज इक्वल टू ऑप्शन है माइनस वन बाय टू वी जीरो सी वन एंड डी टू लॉग वन बाय टू. अब इस क्वेश्चन में हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स वाले तो हमने पहले भी करे, लास्ट लेक्चर में भी करे क्वेश्चन, तो वो तो आपके पास इजी है. ठीक है, तो हम पहले क्या कर लेते हैं, इसको जो लॉग वाला है ये आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिखा ऐसा, ये आपको थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा, तो इसको पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं. इसमें क्या अराइज होगा, इसमें हमारे पास स्पेशल केस जो है वो अराइज हो जाएगा. तो हम क्या करेंगे, जो एफ एक्स है उसको ले लेंगे लॉग वन प्लस एक्स अपॉन वन माइनस एक्स. थोड़ा रफ वर्क कर लेते हैं. लेट इक्वल टू लेट एफ एक्स इक्वल टू लॉग वन प्लस एक्स अपॉन वन माइनस एक्स. अब हम यहाँ पर मैंने के बोला स्पेशल केस लेंगे, तो यहाँ पर हम पहले क्या चेक करेंगे कि जो हमारे पास फंक्शन है वो क्या है, ओड है या इवन. तो ओड और इवन चेक करने के लिए क्या कर रहे थे हम, एफ एक्स को चेक कर रहे थे, सॉरी इवन के लिए चेक कर रहे थे एफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स, और ओड के लिए चेक कर रहे थे एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स माइनस. तो ओड के लिए नहीं, आंसर जीरो नहीं है, गलत है. तो हम क्या करेंगे, ऑड इवन चेक करने के लिए एफ ऑफ माइनस एक्स निकालेंगे. सो नेक्स्ट टाइम लिखो एफ ऑफ माइनस एक्स, एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू लॉग, अब एक्स की जगह क्या पुट कर देंगे, माइनस एक्स, तो क्या जाएगा लॉग वन माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स इक्वल टू लॉग वन माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स. अब देखो हमें पता है कि हम यहाँ पर प्रॉपर्टी लगाएंगे लॉग वाली. ठीक है, अब जैसे हमारे पास अगर टू आता है तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, वन अपॉन टू की पावर माइनस वन. अगर हमारे पास सिंपल टू है तो कैसे लिख सकते हैं, वन अपॉन टू की पावर माइनस वन, वन की पावर भी माइनस वन, टू की पावर भी माइनस वन. जब माइनस वन वाली टर्म नीचे हो ऊपर जाके वो पॉजिटिव ही हो जाती है तो टू ही आएगा. ठीक है, वैसे ही सेम इसमें प्रॉपर्टी लगेगी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा लॉग लॉग वन प्लस एक्स अपॉन वन माइनस एक्स की पावर माइनस वन. सो साइड में हिंट लिख देना इनको, टू इक्वल टू वन अपॉन टू की पावर माइनस वन. टू इक्वल टू वन अपॉन टू की पावर माइनस वन, वन अपॉन टू की पावर माइनस वन, टू इक्वल टू वन अपॉन टू की पावर माइनस वन होल पावर माइनस वन, वन अपॉन टू की होल पावर माइनस वन. ठीक है, सेम ऐसे ही करा तो अब हमारे पास हम माइनस वन को नीचे ले आएंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा प्रॉपर्टी, जैसे लॉग एम की पावर एन तो क्या बनता था एन लॉग एम, वैसे ही प्रॉपर्टी लग जाएगी तो क्या आ जाएगा माइनस वन लॉग, नेक्स्ट स्टेप में लिखो इक्वल टू, तो हमारे पास एफ ऑफ माइनस एक्स क्या आ जाएगा माइनस लॉग वन प्लस एक्स अपॉन वन माइनस एक्स.
ये कौन सी प्रॉपर्टी लगाई, लॉग एम की पावर एन इक्वल टू एन लॉग एम, तो क्या आ गया हमारे पास माइनस लॉग वन प्लस एक्स अपॉन वन माइनस एक्स, तो किसके बराबर आया ये इक्वल टू माइनस एफ एक्स। अब हमारे पास यही था ना एफ एक्स, लॉग वन प्लस एक्स अपॉन वन माइनस एक्स, पर आगे क्या आ गया नेगेटिव साइन, तो क्या बन गया हमारे माइनस एफ एक्स। अभी कहां कहां पे था, स्पेशल केस में जब हमारे पास फंक्शन था ओड, तो हमारे पास क्या आया एफ एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स, एफ एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स, दिस मीन्स एफ एक्स इज अ ओड फंक्शन। और ओड फंक्शन में क्या था हमारे पास, ये सारे टर्म क्या हो गए हमारे पास एफ एक्स किसके बराबर आ गया इक्वल टू जीरो के बराबर, सो एफ एक्स इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो ये सिंपली सॉल्व हो गया, ओड फंक्शन आ गया तो हमारे पास इक्वल टू जीरो आ गया। अब हमारे पास सॉल्व करने के लिए क्या बचा, ओनली ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स वाली टर्म बची, तो अब हम जाएंगे क्वेश्चन पे। लॉग वाली टर्म मैंने पहले ही समझा दी, अब नेक्स्ट पेज पे राइट इंटीग्रेशन माइनस वन बाय टू वन बाय टू, इंटीग्रेशन माइनस वन बाय टू टू वन बाय टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स डीएक्स प्लस इंटीग्रेशन माइनस वन टू टू वन बाय टू माइनस वन बाय टू टू वन बाय टू लॉग वन प्लस एक्स अपॉन वन माइनस एक्स डीएक्स। मैंने क्या करा, क्वेश्चन जो गिवन था उसको सेपरेट कर लिया, ठीक है। तो अब हमें पता है कि लॉग वाली टर्म हमारे पास क्या आ गया है, ओड फंक्शन आ गया है, तो ये टर्म क्या होगी हमारे पास जीरो, माइनस वन बाय टू टू वन बाय टू की इंटीग्रेशन क्या होगी हमारे पास जीरो, तो हमारे पास ओनली क्या बचा इंटीग्रेशन माइनस वन बाय टू टू वन बाय टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स डीएक्स। और नेक्स्ट टर्म हमारे पास ओड आ गई थी वो इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब इसकी इंटीग्रेशन निकाल देंगे, तो अब हम इसमें क्या करेंगे माइनस ए टू ए जा रहा, क्या करेंगे ब्रेक कर देंगे, तो हमारी इंटीग्रेशन कैसे जाएगी कल भी कहां से कहां जाएगी माइनस वन बाय टू टू जीरो, इंटीग्रेशन माइनस वन बाय टू टू जीरो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स डी एक्स प्लस जीरो टू वन बाय टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स डी एक्स। अब इंटीग्रेशन माइनस वन बाय टू टू जीरो जा रही, जहां पे लिमिट वहां पर ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या होगी एक्स की माइनस वन, सो एक्स डी एक्स की क्या आ जाएगा माइनस वन। सो नेक्स्ट स्टेप में लिखो इंटीग्रेशन माइनस वन बाय टू टू जीरो इंटीग्रेशन माइनस वन बाय टू टू जीरो माइनस डी एक्स माइनस वन डी एक्स। अब ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या आ गई एक्स की माइनस वन, साथ में डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन जीरो टू वन बाय टू, अब यहां पर ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या आएगी एक्स की जीरो, सो प्लस इंटीग्रेशन जीरो टू वन बाय टू जीरो डी एक्स। तो ये वाली टर्म तो वैसे ही जीरो होगी, बस ओनली क्या बचा हमारे पास माइनस वन डी एक्स की इंटीग्रेशन निकालना, तो वन की इंटीग्रेशन हमें पता है एक्स होती है, तो माइनस बाहर निकाल लो, तो क्या आ जाएगा हमारे पास माइनस एक्स और लिमिट जीरो माइनस वन बाय टू। नेक्स्ट स्टेप में लिखो माइनस एक्स वन बाय टू टू जीरो माइनस वन बाय टू, अब वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा माइनस जीरो, आगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस वन बाय टू, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा माइनस वन बाय टू।
हमारे पास आंसर आया -1/2 ऑप्शन ए। चला पता क्या करा इसके में, हमारे पास हमें लॉग वाली टर्म दिखाई दी, ग्रेट इंटीजर वाले क्वेश्चन तो हमने कल भी करे थे, तो ये हमारे लिए सिंपल ही है। लॉग वाली टर्म दिखाई दी तो उसमें हमने क्या कर लिया, स्पेशल केस चेक कर लिया कि ओड है या इवन है, वो मैंने बता दिया। इवन ओड के लिए क्या करना है कि f(x) = f(-x) होगा तो इवन फंक्शन है, और f(-x) = -fx) होगा तो ओड फंक्शन है। उसमें वैल्यू पुट कर देनी, वैल्यू पुट करके हमारे पास ओड फंक्शन आ गया, तो लॉग वाली टर्म हमारे पास 0 बन गई। ओनली ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स की इंटीग्रेशन डेफिनेट इंटीग्रल से निकाल ली। एक और एग्जांपल करते हैं, ये क्वेश्चन सभी को समझ आया, किसी को कोई डाउट? समझ आ गया? नेक्स्ट एग्जांपल पे चलें। ओके ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। सो राइट, जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो 2012 में आया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल 2012 में आया है। सो राइट द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल्स इंटीग्रेशन -π/2 to π/2 इंटीग्रेशन -π/2 to π/2 x² + log π + x / π - x log π + x / π - x (cos x dx) x² + log π + x / π - x को ब्रैकेट में ले लेना, cos x dx बाहर है। is equal to first option 0, second option π² / 2 - 4 -4, third option π² / 2 + 4 and fourth option π² / 2। अब देखो ये क्वेश्चन भी पिछले क्वेश्चन की तरह ही सेम है, इसमें भी हमें क्या दिख रहा है, लॉग वाली टर्म दिख रही है। ठीक है, तो हम वैसे स्पेशल केस चेक कर लेंगे, पर इस क्वेश्चन में एक चीज है साथ में कि x² के साथ cos x है। ठीक है, तो इसमें इंटीग्रेशन जो है वो सिंपल नहीं होगी, बाय पार्ट्स में होगी। ठीक, सो अभी नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 5। अब प्रॉपर्टी 5 में क्या होगा कि जब हमारे पास लिमिट इंटीग्रेशन डेफिनेट इंटीग्रेशन की a to b फंक्शन की जाएगी, तो हम उसको fx को किस में लिख सकते हैं, x को a + b - x पुट कर सकते हैं। ठीक है, सो राइट इंटीग्रेशन a टू बी
इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डीएक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ओ ए प्लस बी माइनस एक्स डीएक्स एफ ओ ए प्लस बी साथ में ही माइनस एक्स ए प्लस बी माइनस एक्स बी के आगे की ब्रैकेट हटा दो सर ए प्लस बी माइनस एक्स डीएक्स और इसमें स्पेशल केस होता है एक जीरो टू ए इंटीग्रेशन जीरो टू ए स्पेशल केस लिखो स्पेशल केस इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन जीरो टू ए एफ एक्स डीएक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन जीरो टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स डीएक्स ठीक है अब इससे रिलेटेड एग्जांपल करते हैं। टीचिंग एवरीवन के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाएं और कोई भी वीडियो मिस ना करें। लॉगिन करें www.teaching-everyone.com पर और अपने रूम को बनाएं अपना क्लासरूम।